हेलो डियर एस्पिरेंट्स सीयूटी। तो यार फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फिर से अपडेट आ गया रिगार्डिंग द वैकेंट सीट्स कि कितनी सीटें वैकेंट रही है। तो गाइस अभी देखते हैं अपन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की देखेंगे कि जो सेकंड अलॉटमेंट के बाद अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर सीटें बची है तो सेकेंड राउंड के बाद गाइस कितनी सीटें बची है। तो फाइनली ओपन द पोर्टल, और अभी तक सीएससी की अपडेट नहीं हुई है सॉरी। उसके बाद अपन प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी की देखेंगे, हालांकि जल्दी अपडेट कर दी जाएगी, लगातार अपडेट होती जा रही है, बहुत सारे कोर्सेज की अपडेट हो चुकी है। सीट वैकेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, ओ माय गॉड भाई, इसका भी अपडेट नहीं हुआ अभी। ठीक है, और ये भी फर्स्ट काउंसलिंग केमिस्ट्री में क्या सीन है। इसमें भी अपडेट नहीं हुई अभी तक। तो यार इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आज रात तक अपडेट कर देंगे लोग। काफी सारे ब्रांच का आई थिंक अपडेट कर दिया गया है। ये देखो इसमें भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग, तो इसमें कितनी वैकेंट हो रही है वो देख लो अभी। ये देखो वैकेंट सीट आफ्टर सेकंड काउंसलिंग, तो जो भी है नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी थी यहाँ पे। जनरल वालों के लिए 11 थी, अभी सिर्फ 5 भरी है, 6 बाकी है। ओबीसी वालों के लिए देखो 4 थी, 0 भरी है, चारों बाकी पड़ी है। इसके बाद यहाँ पे 2 थी, 1 भर गई, यहाँ पे 1 भर गई, ये 0 हो गई। एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 2। ठीक है, तो यार टोटल 20 सीटें थी। ठीक है, एंड बच्ची भरी कितनी है, सिर्फ 8, 12 सीटें वैकेंट पड़ी यहाँ पे। ओके, ये जो भी डिपार्टमेंट है इसका फिजिकोलॉजी जो भी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यार इन लोगों ने अपडेट अभी तक किया नहीं है, ये जल्दी अपडेट हो जाएगी टिल नाइट तक। ओके, वैसे हमारा जो थर्ड राउंड है वो 17 को आ रहा है। ओके, सो 17 से पहले पहले ये टिल 15 तक अपडेट कर देंगे सारे के सारे लोग। हालांकि आज 14 अक्टूबर हुआ है, तो अभी काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, जो भी है डिपार्टमेंट के सिग्नेचर वगैरह लगा के इस पे, एंड ये भी फर्स्ट राउंड है। बी वॉक में चेक करते हैं। ये भी फर्स्ट राउंड है, बी वॉक हो गया। इसमें भी अपडेट नहीं हुआ अभी तक। तो यार टिल अब जब आप लोग 15 को अगर देख रहे हो तो 15 को ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ एक ब्रांच फिजिकोलॉजी को ही किया है क्या अपडेट भाई? एमएससी फिजिक्स का क्या सर? हालांकि यार आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वैकेंट सीट रेशियो जो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, काफी सारी सीटें वैकेंट रहेगी। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आज रैंक लिस्ट वगैरह रिलीज कर दी गई है, तो आप सभी लोग उसका भी ध्यान रखोगे जल्द से जल्द जो है जो भी है सारा का सारा अपडेट। ओके, एंड काफी सारी सीटें वैकेंट है यार, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका ऑलमोस्ट एडमिशन हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड सीयूटी बेस्ट गाइडेंस प्लान। जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड अदर, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे चार्जेबल प्रोसेस है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट एडमिशन कम्प्लीट करा दिया जाता है। 8209441638। SCUT UG का नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसको जो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।